बंगाल से आज एक बहुत बड़ी खबर आई है। बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल खान तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। सुजाता मंडल का कहना है कि शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में आने से नाराज होकर वो पार्टी छोड़ रही हैं। तो पत्नी टीएमसी में शामिल और पति बीजेपी में, शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने से नाराज हैं सुजाता मंडल। सौमित्र खान बिशनपुर से सांसद हैं, तो पति बीजेपी में सांसद रहेंगे लेकिन पत्नी ने टीएमसी का दामन थामा। बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल खान टीएमसी में शामिल होने के बाद एबीपी न्यूज से खास उन्होंने बातचीत की। सुजाता मंडल ने कहा कि ममता बनर्जी की वजह से वो टीएमसी में शामिल हुई हैं। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं। पति पत्नी और पॉलिटिक्स मामला क्या है? आप लोग जो दिख रहा है वही मामला है। सब तो अभी क्लियर हो गया, एकदम चारों तरफ मतलब दिन का सूर्य उठ रहा है और मतलब सबसे बड़ी बात है अभी तो दिन है, कुछ तो अंधेरा भी नहीं है, सब क्लियर ही हो गया। पति पति का जगह में रहने दीजिए उसको, मैं मेरा जगह में रहने दीजिए, इसमें पॉलिटिक्स का कुछ मतलब बात है नहीं, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स की जगह में। सब ये कहते हैं कि सौमित्र खान के लिए कैंपेन आपने ही किया, आपने दायित्व संभाली और इस वजह से उनको जीत मिली, तो क्या कहेंगे आप कितना इम्पोर्टेंट रोल अभी प्ले करने जा रही है तृणमूल कांग्रेस के लिए? देखिए उस टाइम मेरा जनता जनार्दन जो है बिष्णुपुर लोकसभा की मानुष मतलब जो आदमी आम आदमी है, मैं हमेशा उन लोगों के चरण में अपना सर रखना चाहती हूँ क्योंकि उन लोगों को मेरे दिल में मुझे जगह दिया। आज इसलिए सुजाता आप लोगों के सामने खड़ा होकर बात कर रहा है। मैं अगले दिन यही चाहती हूँ कि वही बिष्णुपुर लोकसभा का आम आदमी, मेरा पश्चिम बंगाल का आम आदमी मुझे वही आशीर्वाद दे कि सुजाता अगले दिन जो पार्टी में आज से ज्वाइन किया ये टीएमसी को मैं अगले दिन प्राउड कर पाए और टीएमसी में मुझे मेरा लीडर लोग जो दायित्व देगा, मेरा फेवरेट जो लीडर है मेरा ममता बंदोपाध्याय एंड अभिषेक बंदोपाध्याय, वो लोग जो दायित्व मुझे देगा मैं वो दायित्व में सक्सेस होके उन लोगों को दिखाए, ये आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आखिरी सवाल, 11 के बदले में एक, फिलहाल 11 के बदले में एक, क्या आगे सौमित्र खान भी आ सकते हैं तृणमूल में शामिल हो सकते? उनको अगर आपने पूछेगा तो ज्यादा अच्छा आंसर मिलेगा। तो कुंतल चक्रवर्ती जिन्होंने सुजाता मंडल से बात की वो भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं से मैं जान लेती हूँ। मैं समझना चाहती हूँ कि पति सौमित्र खान बीजेपी में है कुंतल और पत्नी टीएमसी में शामिल हो रही हैं, क्या मायने निकाले जाएं इसके? जनता कैसे तय कर पाएगी? सुजाता ने ही तो कैनवेसिंग कर जिताया था अपने पति को। कुंतल की आवाज हम तक नहीं पहुंची, हम उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखने वाली बात है। जी कुंतल, कुछ ही देर बाद सौमित्र खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और वो क्या कहते हैं वो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस भी हो सकता है। देखिए एक इस बार जिस तरह की चुनाव होने जा रहे हैं अब तो वहाँ एक फैमिली से कोई बीजेपी में कोई तृणमूल में, तो पॉलिटिक्स दोनों ही तरफ बैलेंस रहेगा और पता नहीं कौन से पार्टी में जाके अब ज़्यादा सुविधा है किसी को भी पता नहीं। अलग अलग राजनेता वैसे ही कर रहे हैं, कोई बीजेपी में कोई तृणमूल में, तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है। कुछ दिन देखना पड़ेगा कि क्या है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी की बात जो यहाँ कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के ऊपर नाराज होकर वहाँ यहाँ आ गया, देखिए लेवल अलग है। शुभेंदु अधिकारी अगर इस लेवल पर है तो सुजाता मंडल खान बहुत ही मतलब उस लेवल से बिलोंग नहीं करती है। तो मुझे नहीं ऐसा लगता है, और जो पॉलिटिक्स के जो जानकार हैं बंगाल राजनीति को जो समझते हैं उनको भी ऐसा ही लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी आया है ये मामला नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि उनको काम करने का मौका नहीं मिल रहा था तो यहाँ आके शायद वो कुछ काम उनको करने का मौका मिलेगा। और ये लेकिन ये सही है कि पिछली बार विष्णुपुर विधानसभा में या फिर जब जब सौमित्र खान ने चुनाव लड़े और उनको जीत मिली और उसमें कैंपेन संभालने का दायित्व सुजाता मंडल खान ने संभाली, तो कुंतल मैं ये भी समझना चाहती हूँ कुंतल, जैसा कि आप भी कह रहे हैं और हमने सुजाता मंडल को भी सुना, उनका कहना है कि उनके पति के लिए उन्होंने कैनवेसिंग की। उस समय मोदी एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह बीजेपी के थे और मोदी के नाम पर वोट पड़ा और इसलिए जीते उनके पति, लेकिन अब इस बार अगर सुजाता टीएमसी से चुनाव लड़ेंगी तो लोकसभा में जिन मुद्दों पर वोट दिया जाता है और विधानसभा में जिन मुद्दों पर दिया जाता है वो एकदम अलग होते हैं, एकदम अलहदा होते हैं। तो क्या लग रहा है सुजाता को जीत मिलने के कुछ चांसेस आप देख रहे हैं जमीन पर? हाँ है, अब बिल्कुल है, क्योंकि सुजाता मंडल खान जो है वो जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो
लोगों से कनेक्ट, जो आप कह रहे हैं कि लोगों से कनेक्ट बहुत ज्यादा है सौमित्र खान से, क्योंकि सौमित्र के लिए कैंपेन उन्होंने ही ज्यादा किया। सौमित्र जो है वो अलग अलग जिलों के दायित्व ज्यादा संभालते हैं, बीजेपी के लिए इम्पोर्टेंट जो दायित्व वो संभालते हैं, लेकिन अपनी विधानसभा क्षेत्र में सुजाता मंडल खान जो है अपने लोगों के साथ, वहाँ के जो लोग हैं वहाँ उन लोगों के साथ कनेक्ट काफी काफी अच्छी है उनका। बहुत बहुत धन्यवाद कुंतल इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आज की यही है कि एक तरफ तो बीजेपी से जो सुजाता मंडल हैं वो तृणमूल में शामिल हो गई हैं और तृणमूल से कई नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। यूरोप में कोरोना वायरस की एक नई लहर आई है, इस मामले पर आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की अहम बैठक भी हुई, उसमें चर्चा भी की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक के बाद कहा कि यूरोप के कई देशों में कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर चिंता है, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, भारत सरकार हर कदम उठाने के लिए सक्षम है। अभी ये सब इमेजिनरी सिचुएशंस, इमेजिनरी बातें, इमेजिनरी पैनिक, इन सब के अंदर आप अपने आप को मत उलझाइए। सरकार हर बात के लिए पूरी तरह से सजग है और जैसे पिछले एक साल में आपने देखा कि सरकार ने आवश्यकता के अनुरूप जनता के हितों की रक्षा करने के लिए जो जो जिस जिस समय पर आवश्यकता किया वो सारी चीज़ें सरकार देख रही है। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज देश को एक खुशखबरी भी दी, उन्होंने जनवरी के किसी भी हफ्ते में देश में कोरोना की वैक्सीन आ सकती है इसकी जानकारी दी और ये भी कहा कि इसके टीकाकरण के लिए सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। और डॉक्टर हर्षवर्धन ने अब ये उम्मीद जताई है कि जनवरी के किसी भी हफ्ते हो सकता है कि दूसरे या तीसरे हफ्ते से ये वैक्सीन शुरू हो जाए। लगभग एक घंटे तक ये चर्चा चली थी, उसके बाद जब डॉक्टर हर्षवर्धन मीडिया के सामने आए तो उन्होंने ये जानकारी दी। सुन लेते क्या कुछ कहा। जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूँ कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। ये वही भारत है जो इसने चेचक को भी इरेडिकेट किया सारी दुनिया के साथ मिलकर। ये 135 करोड़ का देश है तो हमारी योग्यता और क्षमता में किसी प्रकार की कमी नहीं है और हमने पूरी तैयारी की है। नीचे लेवल तक पूरे स्टेट गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व करके स्टेट के लेवल पर टास्क फोर्स बनाकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ब्लॉक लेवल पर देश में यानी कई हज़ार मास्टर ट्रेनर्स को पहले ट्रेन किया है। उसके बाद हम देश की 33 स्टेट्स में स्टेट लेवल पर ट्रेनिंग कर चुके हैं। जो 30 करोड़ लोग हैं यानी पहले 30 करोड़ लोग में क्या है, पहला 1 करोड़ जो हेल्थ वर्कर्स हैं प्राइवेट सेक्टर में भी या पब्लिक सेक्टर में भी, दूसरे 2 करोड़ लोग वो हैं जो कि दूसरे नंबर पर प्रायोरिटी वाले जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हमारे पुलिस की फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, हमारे मिलिट्री की फोर्सेज हैं या हमारे सैनिटेशन स्टाफ है कॉरपोरेशन के अंदर जो लोग फील्ड में फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं। ये 50 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को उस कैटेगरी में रखा है। ये करीब 26 करोड़ के करीब लोग बैठते हैं और 1 करोड़ लोग अभी हमने रफ एस्टिमेट किया है वो लोग हैं जो 50 साल से कम उम्र के हैं और शायद कम उम्र होने पर भी कोई ना कोई उनको शरीर में कोई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट की, किडनी की या किसी भी प्रकार की कोई बीमारियां हैं। तो ऐसे अभी 30 करोड़ लोगों को प्रायोरिटाइज किया गया है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।